पुलिस और पब्लिक के बीच आपसी सामंजस्य बने, अपराध और अपराधियों पर नकेल कसे और भू माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए, यही पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। एडीजी कानून ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि किसी भी सूरत में भू माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। वह आज संबल जनपद के चंदोसी में आए थे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए एडीजी ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना ही पुलिस का परम धर्म भी है और पुलिस और पब्लिक में आपसी सामंजस्य बने, भयमुक्त समाज की स्थापना हो, यही पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी सूरत में अपराध करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग अनाधिकृत रूप से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे भू माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भयमुक्त समाज की स्थापना करना ही प्रदेश की पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी की फरियाद को बड़े ध्यान से सुना जाएगा और उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। थाने से कोई भी फरियादी मायूस न लौटे, उसकी फरियाद की तुरंत सुनवाई हो, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, पुलिस की ऐसी छवि को प्रस्तुत करना ही मुख्य उद्देश्य है। एडीजी अविनाश चंद्र संबल जनपद के चंदोसी में पहुंचे और उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान यह भी स्पष्ट कर दिया कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। महिलाओं के लिए बने पिंक थानों में महिलाओं की समस्याओं से जुड़े तमाम केसों की सुनवाई होगी और मौके पर ही समस्या का समाधान किया जाएगा। वे चंदोसी कोतवाली में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस मौके पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, एडिशनल एसपी आलोक जायसवाल, सीओ अशोक कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा के साथ साथ चारों थानों के प्रभारी मौजूद रहे। आज आकस्मिक दौरा मेरा यहाँ पे हुआ, संबल कस्बे का ही भ्रमण किया, वहाँ पे हम लोगों ने पैदल गश्त किया, जनता से संवाद स्थापित किया और थाने में भी पब्लिक से इंटरेक्ट किया। जो भी समस्याएं थी उसका संज्ञान लेकर के उसका शीघ्र निस्तारण करवाया जाएगा और इस समय हम लोग चंदोसी में हैं। यहाँ पे पैदल गश्त कर रहे हैं, थाने पे कुछ लोग आएंगे सम्राट पाली कर यहाँ के उनसे इंटरेक्ट करेंगे, पुलिस बच्चों से भी उनको भी करेंगे। सर, संबल में भी आपने जनता से संवाद किया तो वहाँ पर कुछ लोगों की ये शिकायत सामने आई है कि संबल जिले में जो अफसर हैं वो तो फ़ोन रिसीव करते हैं लेकिन चौकी और थानों पर फ़ोन जनता के रिसीव नहीं होते हैं, क्या इसको लेकर के संज्ञान लिया जाएगा? फ़ोन अपना अपने पास रखते हैं, उसको रिसीव करें जी। सर, एक सवाल मेरा और है। सर, जिले के जो एस पी सर हैं, इनको से जानकारी सामने आई थी कि संबल जिले में जो महिलाएं हैं उनकी सुनवाई के लिए यहाँ पिंक थाने स्थापित किए जा रहे हैं। सर, ये किस तरीके से काम करेंगे और कितनी चौकियाँ यहाँ पर ही बनाई जाएंगी? इसमें दो चौकियों के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है, एक चंदौसी में रहेगी और एक इंदौर। जी जी, थैंक यू।